क्या करे, हमारा माँ चला गया, मजाक से चले गए तो हम देंगे का। नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपके साथ। खबर है तेज प्रताप यादव को लेकर के। जब तमाम मंत्री नीतीश सरकार के आदेश की वजह से सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता और मरीजों और उनके परिजनों का दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं और वर्तमान में जो विधायक हैं आरजेडी के तेज प्रताप यादव, वो अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे वैशाली के अलग अलग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और वहां की स्थिति देख रहे हैं। अचानक से एक महिला की मौत के बाद जब तेज प्रताप यादव एक ऐसे ही अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे, तो उनके परिवार के लोगों ने उनके सामने ही हंगामा शुरू कर दिया और वहां के डॉक्टरों पर इस बात का आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने सही से इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी माँ की मौत हो गई है। मामला वैशाली के महुआ से है, जहाँ के महुआ अनुमंडल के महुआ अनुमंडल अस्पताल में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में अफरा तफरी मची रही। वहीं इस दौरान डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में एक मरीज की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तेज प्रताप यादव के सामने जमकर हंगामा किया। तेज प्रताप यादव के सामने मरीज के परिजनों के हंगामा करने के बीच हॉस्पिटल के डॉक्टर और कर्मी भौचक नजर आए। मृतक के परिजनों ने कोरोना मरीज की मौत के लिए अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी वजह से उनके मरीज की मौत हो गई है। वहीं इस दौरान तेज प्रताप यादव ने अनुमंडल अस्पताल में पीकू वार्ड के लिए एक साल से खरीदे गए सामानों का मुआयना भी किया। पीकू वार्ड के लिए खरीदे गए सामानों को अस्पताल के कमरे में रखे जाने को लेकर तेज प्रताप यादव बेहद नाराज नजर आए। क्या कुछ कहा तेज प्रताप यादव ने, ये सुनवा दें। इको वार्ड जो है, जिसमें शिशु जो बच्चे लोग का जो है, जब बच्चा जो नया जन्मता है, उसको सही तरीके से चालू नहीं किया गया। सब सामान है, साधन है, सब चीज़ है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं चालू किया गया। मरीज के परिजन बोल रहे थे कि उनके साथ यहाँ पर, हाँ, इसके लिए हमने निर्देश दे दिया है कि कमेटी बना करके जांच करके जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करने की, जी हमने कह दिया। कई ऐसी मशीनें हैं जो अभी तक स्टोर में रखा हुआ है, उसको देखे अपने आँख से, कई तरीके जो मशीन है, जो बच्चों का जो है मशीन जो है, वो हर एक चीज़ है यहाँ, लेकिन चालू नहीं। ऐसे में सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों नहीं चालू है, उसको तुरंत चालू करवाएं और व्यवस्था को जनता के लिए चुस्त दुरुस्त करें। तेज प्रताप जी, आप नीतीश कुमार को, तेज प्रताप यादव ने इसके लिए नीतीश सरकार पर जमकर प्रहार किया। तेज प्रताप ने कहा कि सरकारी लापरवाही के चलते लाखों रुपए की लागत से पीकू वार्ड के लिए खरीदे गए सामान को एक साल से यूं ही रख दिया गया है, जबकि इसे चालू हो जाने से लोगों को राहत मिलती। ऐसे में तेज प्रताप यादव ने कहा है कि इसको लेकर भी सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि आखिर किस कारण से लाखों की राशि से खरीदे गए सामानों को अस्पताल के कमरे में रख दिया गया है और इसे चालू नहीं किया जा रहा। वहीं जब तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही घटक दलों के सवालों में घिर गए हैं, उस पर नीतीश कुमार को जेल भेजाने की बात कही जा रही है, तो तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। तो मामला है वैशाली के महुआ अनुमंडल अस्पताल की, जहां पर तेज प्रताप यादव पहुंचे थे अचानक से औचक निरीक्षण करने के लिए। निरीक्षण के दौरान तेज प्रताप यादव जो है, जब पहुंचे तो एक मरीज के परिजन की मौत हो गई थी लापरवाही की वजह से, जैसा उनका आरोप है, और उसके बाद उनके सामने में जमकर हंगामा हुआ। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद तेज प्रताप यादव ने एक कमेटी बना करके पूरे मामले की जांच के जाने की बात कही है। आपको बता दें कि लगातार जो है तेज प्रताप यादव, क्योंकि बीच के वक्त में जब सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई या FIR की जा रही थी कुछ लोगों पर जो कि अस्पतालों में पहुंच रहे थे, तो ऐसे वक्त में तेज प्रताप यादव ने अपना निरीक्षण का कार्यक्रम तो रद्द कर दिया था या रोक दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से तेज प्रताप यादव अपने विधानसभा क्षेत्र वैशाली के अलग अलग अस्पतालों में पहुंचे और वहां पर पहुंच करके उन्होंने वहां की जो स्थिति है, जो समस्याएं हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है लगातार बात की। इस दौरान में उनके साथ स्थानीय विधायक मुकेश रोशन भी जो है वो मौजूद थे। जो भी दोषी है उसको कार्रवाई की, ठीक है, क्योंकि इस तरह का कोई भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। अस्पताल के सामने ही सब घटना है, कदम इस पर कार्रवाई की, ठीक है। कैसे
बोल रहा है कि अटेंडेंस की आरोप लगा रहा है कि नहीं देते हैं। एक साल से सामान लाके रखा हुआ है लेकिन ये एस्टेब्लिश नहीं किया गया। एक थर्ड फेज में बताइए बच्चों के लिए ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है और वो चीज आप लोग नहीं डेवलप कर सके अभी तक। इतना मतलब ये है बताइए विभाग का इतना बड़ा लापरवाही है कहे नहीं हो रहा है। सुनिए ना हम इधर आइए ना पार्टी के लोग इधर आ जाए डॉक्टर को अंदर जाने दीजिए आप लोग इधर आ जाए। सब नया है ऐसे ही सब खराब है सबको डस्ट पड़ रहा है सब पर। आप क्या है उधर रहिए ना है ना प्रभारी जी है ना रहिए उधर। कितना आया था ये प्रभारी जी कितना आया था 12 है 12 जो है वीडियो से ना वीडियो